समझ रहे हो आप मेरी भाव को समझे मतलब नहीं। अब अगर मैं लालच करता तो मैं 1,00,000 रुपये हजम कर जाता। एक अगर आदमी ने मुझे 4 साल में लिखा 10,000 का ड्राफ्ट भेजा, कहते मैं बीमार हूँ मुझे राजी कर दो ये मैं देता हूँ। मैंने कहा भाई ये मेरे बस में नहीं है, 1,00,000 रुपया दे तो ले लूंगा, पर नहीं तुम्हारे नाम हमारे बैंक में पड़ा है। कोई जवाब नहीं आया। 2 महीने के बाद उसकी और की चिट्ठी आई कि मेरा खाउन मर गया। मैंने वो 10,000 रुपया उसके और को वापस कर दिया। ये ठीक है, शिष्य का ये काम है गुरु की सेवा करना। जो देता नहीं उसे मिलता नहीं, ये ना समझना कि मैं दांगे बगल, मगर जो गुरु लेता है वो मारा जाता है। इस वास्ते ये परोपकार का काम होता है। यानी शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना दे। जो चेला देता सर्विस नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, ये बता देता हूँ आपको। ये ना समझना कि दो और नाम किन को मिलता है पता है? पहले दाता शीश पाया जिस तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भया जिस नाम दिया बख्शी। क्या मतलब? तन मन धन देने का मुराद क्या है? अपने तन को ना समझना कि मेरा है, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं। जिसे जिसको इस बात का यकीन हो गया उसको तो नाम मिल गया। उन्होंने उसको क्या नाम देना है? तो समझ के मेरी बात को मैंने क्या कहा? उसको तो नाम मिल गया। पिछले जमाने में ऋषियों के पास जाते थे बड़े राजा महाराजे ज्ञान हासिल करने, वो क्या करते थे? आश्रम में सेवा करो भाई, एक गाय दे देते जब 100-200 हजार फिर आना। वो जो उसमें निष्काम सेवा की होती है ना, उनको अपनी निष्काम सेवा से खुद बहुत ज्ञान हो जाता है। उनका मन फिर कोई शख्स ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसका तन मन और सुर फिर नहीं होती। तन फिर मन फिर सुर नृत्य फिर हुए कहीं कभी तादाद को पैसे बाधित हो। लाख इंसान वाकई ज्ञानी हो जाएगा, उसको रियल ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने तन मन को सोच को खेल नहीं कर देता। सोचो मेरी बात, यही बात आज सुबह मैंने कही थी कि अपने आप को उस हालत में ले जाओ जिस हालत में कि तुम बीज रूप में थे। जब तुम बीज रूप में बीज के कीड़े के रूप में थे तुम्हें पता है कुछ? ऐसा कुछ फूले हुए थे ना, कर्म इंद्रियां नहीं थी, ज्ञान इंद्रियां नहीं थी, उनका कारण रूप था। जिस तरह बड़ के बीज में सारा दरख्त था इस तरह से उस बीज कीड़े में सारा इंसान था। तो जब तक कोई एक बाबा सावन सिंह का 10 द्वारे लिंग आगे सदगुरु होता, दुनिया ने बाबा सावन सिंह की बात को समझा नहीं। साधन जरूर करना चाहिए। 2 किस्म के साधन होते हैं, एक कंसेंट्रेशन होती है, एक मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन में इंसान शक्ल बनाता है, विचार करता रहता है, अनुभव आता रहता है, मगर कंसेंट्रेशन में जो सुई होती है, जिस तरह नंदे में आप सुई खोप देते हैं, इस तरह से अपनी सोच को जब गुरु के रूप में देखो, प्रकाश में देखो, सोच में, इस तरह से उसमें दाखिल हो जाओ कि तुमको सब कुछ भूल जाए। जब ये अवस्था आ जाएगी फिर ज्ञान ही ज्ञान। मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का तरीका बता दिया। कई आदमी अभ्यास करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं अंदर में ब्रह्म आ जाए, विष्णु आ जाए, शिव जी आ जाए, ऐसे एक पखंड का जाल बनाया हुआ। कई कहते हैं सतलोक में महाराज बड़ी बड़ी गायें होती हैं, दूध होते हैं, ये होता है। अरे ये जो कुछ नजारा है सब इंसान के अपने मन का। भिष्ट का जिक्र है, हिंदुओं में भिष्ट का क्या जिक्र है? वहां आग नहीं है। स्विट्जरलैंड के भिष्ट का जिक्र है, वहां आग होती है। हम अरब में वहां लिखा हुआ है, वहां हुलों के साथ गुलाम होते हैं, आप समझे? मैं और खजूरें होती हैं। हमारे यहाँ आम होते हैं,
और जामुन होते हैं, ये है क्या? जिस किस्म का ख्याल इंसान के दिमाग पर है वही फूलता है। हमको पता नहीं, हम सब पे मन के चक्र में आकर फंस गए। मेरी जिंदगी देखो, एक दृश्य था मेरा 1905 का, वो थी माया, उसने मुझे कितना खेत लाया। जितना मैंने काम किया है माया ही की बस में किया है ना, मगर चूंकि मेरा हृदय शुद्ध था, सच्चाई का खास मन था, मेरा मन ही मेरा रक्षक था, मेरा मन ही मेरा पक्षक था। माया ही आदमी को फंसाती है और माया ही आजाद करती है। माया ही आदमी को फंसाती है और माया ही आजाद करती है। इस माया को ठीक करने के लिए सत्संग है, वो भी किसका, जो खुद माया तीत हो। अगर मैं इस वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ कि आप मेरा मानता मंदिर बन जाए और मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी संगत से आपको कुछ नहीं मिलेगा, माया ही मिलेगी। आप बैठे यहाँ चला गया, वो चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप योग हैं, अगर आप खुद सच्चे हैं, प्रकाश शब्द का साधन करते हैं, तो होगा क्या, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो तुम्हारी ये लेगा। अगर मैं गंदा हूँ, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं लाख लोगों को उपदेश करता रहूं, मैं गंदगी ही फैलाऊंगा। मैंने क्या कहा आप, ये है जो मैं आप लोग आए हैं ना, इन्होंने रहते विद्या के लिए कुछ, ये मैं तो आपको अमली जिंदगी बताता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ। जब कोई तकलीफ आए, मुसीबत आए, कुछ ना करो, अपने कमरे में आया ना चले जाओ, अपने अंतर में आप बैठ के अपने आप को सपोर्ट करो, तुम देखोगे कि कुदरत कोई ना कोई वसीला तुम्हारी उस सॉल्वेशन का निकाल देगी। ये है जो मेरी समझ में आया। क्या टाइम क्या हो गया, अब वक्त हो गया है, आज शाम को फिर सत्संग होगा, तो दूसरे आदमी को मौका दिया जाएगा बोलने का, आशीषाओं में बोलेंगे। तो आप लोग आए हैं, दाता आपने काम दिया, दोस्तों मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अकेला होता हूँ, पूछता हूँ कीर्तन, तू मकड़ी का डाला बनाएगा, तू इनको क्या दे सकता है, ये मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुम्हें ये मकड़ी का डाला बनाएगा, वट कैन यू गिव टू अदर पीपल। मैं आपको अपनी जिंदगी का जो तजर्बा है वो देता हूँ, एक दूसरी गुड विशेष देता हूँ। अगर आपके दिमाग के अंदर प्रेम अपने विश्वास से तुम मुझको बनाकर प्रत्याहर करा देते हो, डूबते हुए बता देते हो, दुआइयां बता देता हूँ, मेरा रूप बता देता है, इसके साबित हुआ है कि आपके मन में ताकत है, तो मेरे मन में भी ताकत है। तो मैं क्या करता हूँ, दुखी में मैं सच्चे से चाहता हूँ इसका दुख दूर हो जाए। जो आदमी उसको मान जाते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं, और प्यारे ही होने कीर्तन को मिलता है। आई डू नथिंग। आप एक गुरुवाई को दोस्तों एक दिन चलना है, चलना है दूर मुसाफिर, चल जाना है। इस दुनिया की इज्जत और दुनिया की मान, दुनिया की दौलत, दुनिया की हालत मेरे साथ जाएगा, जब प्राण निकल जाएंगे, जो कुछ मैंने किया हुआ है, जो कुछ मैंने सोचा हुआ है, ये मेरे साथ जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, मैंने कहा तो आपका सत्संग मैंने कह दिया, आप लोग आए हैं, मैं आपको गुरु बता चला दुनियादारी के लिए, कुछ नहीं करना। जब मुसीबत कोई तकलीफ आए, सत्य बन के अपने अंतर जहां मैं होंगी, यहां अपने इष्ट का ध्यान करो, जितने सत्य हो के तुम पुकार करोगे, कुदरत कोई ना कोई सामान तुम्हारी रेमेडी का बना देंगे। ये मैं क्यों कहता हूँ, मेरा बनता है और लोगों का सत्संगों का बनता है, और मैं वो समझ गया बाबा करता है। अरे बाबा कौन फलुआ करने वाला, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारा अपना ही कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तुम्हारी बड़ा पाया जाता है।
अब मैं गुरु बनने के पाप से बच गया। जितने गुरुओं ने काम किया है लोग कहेंगे सच लोग गए, इन्होंने इतना पर्दा रखा है और हम गरीबों को सच्ची बात न बता के अपना अपनी जायदादें बनाई अपने बच्चों के लिए। तुम ये समझो सच लोग गए होंगे? अगर कर्म की फिलासफी ठीक है तो ये सच लोग कहाँ गए? कहीं नरक में होंगे। केवल ना छूट लंकर चार दिन की जिंदगी के लिए किसी ये पकड़ के लाया जाए। आज शाम को आशीष शर्मा बोलेंगे, वो बोलेंगे वो कहाँ गए अमेरिकन ऊपर से दुनिया ने गुरु मत को नहीं समझा। तुमको क्या कहूँ, मैंने खुद नहीं समझा। मैं भी सारी जिंदगी गुरु पशु बने रहा, गुरु के रूप को नहीं, गुरु की असली गुरु मत है उसको नहीं समझा। आज आपको बताता हूँ गुरु मत है क्या, गुरु करता क्या है। निकला निकल लोग आए हैं काम अपने नाम अपने शोहरत अपने लालच के नहीं किया। बिल्कुल किसी सत्संगी का मैंने पैसा नहीं खाया सिवाय कटनी वालों के या शेठ दुर्गादास के या लड़के मेरा देता है। मंदिर के सब्जी जाती है पैसे देता हूँ। डॉक्टर अगर फैमिली को देखने जाए उसको फीस देता हूँ, अगर नहीं देता तो मंदिर में दे देता हूँ। क्योंकि मेरे जमे एक ड्यूटी थी, मैंने प्रण किया था। मेरे वास्ते ये गुरु मत एक बड़ा अचंबा था और सुबह सबक सुनाया था ना सबका खंडन था। मैं देखना चाहता था गुरु मत के पास है क्या, सब गुरु करता क्या। करो सत्य गुरु हरि जो के समारो, सत्य गुरु मोरे जो के संभारो। हाँ ये नहीं मत मोरे, हाँ चरणन ते जिन तारो, चरणन ते नायब तारो, मेरे चूके संभारो। मन कठोर कछो कहा न माने, मन कठोर कछो कहा न माने, बहुजा को कह हारो, बहुबा को कह हारो। सत्य गुर मेरी जो के संभारो, तुम ही ते सब होते गोसाई, तुम ही ते सब होते गोसाई, या को बेग संवारो, या को बेग संवारो। अब दे जे संगत सतगुर के, अब दे जे संगत सतगुर के, जाते हुए निस्तारो, जाते हुए
सितारो सते गुरे मोरे चो के संभारो और सकने से गे सब दिसरे और सकने से गे सब दिसरे हो तुम एक प्यारो हो तुम एक प्यारो मोरी चूक संभारो कर देखो हित सारे जग से कर देखो हित सारे जग से कोई ना मिलो पुन भारो कोई ना मिलो पुन भारो कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे भव सागर से तारो भव सागर से तारो दाता मेरी चूक संभारो अब चूक किसे कहते हैं गलती को मैंने अपने आप को संत सद्गुरु वक्त कह के पर्व किया है अपनी आत्मा से पूछता हूँ वे दे हजार फकीर जन तूने अपने आप को संत सद्गुरु कह लिया तू बता तू किसी का क्या भय कर सकता है ये क्वेश्चन है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम गलतियां खाते हैं वो पब्लिक को बताया जाओ कि तुम्हारी ये गलती है इसलिए तुमको ये तकलीफ है यही कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं अगर फर्ज को मैं ये कहा है तो मैं मुजरिम नहीं दाता ने मुझे कहा तू तो आया नजदी में दल फकीर का भेसा दुखी जीव को अंगेगा कर लेगा गुरु के शीशा तीन तापसी जी दुखी है निवर अवर अज्ञानी तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी दूसरा उन्होंने हुक्म दिया तेरा रूप है अद्भुत अजय तेरी उत्तम देही जब कल्याण जगत में आया परम दया से अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ इसीलिए वो कहते हैं जगत को भवसागर से पार कर क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता तू वकील जन तू जीवों के दुखों के दूर करने का क्या इलाज है तेरे पास जगत के कल्याण का तेरे पास क्या इलाज है भवसागर के पार करने का तेरे पास क्या इलाज है ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता सबसे पहली चूक तो ये है कि हमने मनु जो ऋषि थे हमारे उनके कवायद को हम भूल गए मनु ने पहले शब्द से ये कहा कि संतान को कैसे पैदा करना चाहिए मनु की किताबें पढ़ने पड़ी हुई हमारी क्या चूक है हम संतान को संतान के ख्याल से पैदा नहीं करते विषय भोग में आकर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो जिस किस्म के जज्बात उस वक्त माँ बाप के होते हैं उनका असर उस बच्चे पर जाता है इसका जरूर अब मणि इतिहास कहता है कि जब वो माँ के पेट में था तो अर्जुन चक्कर भेजने का जिक्र कर रहा था कि नहीं कर रहा था तो जब निकलने का जिक्र आया वो अर्जुन की बीवी सो गई अब उन्होंने चक्कर बेटा तो मैं क्या कहना चाहता हूँ चूक तुम्हारी हम दुनिया में दुखी हैं संतान से दुखी हैं हमारी आवाज क्या करती है घेराव करती है क्या कोई मुसीबतें हमको आई क्यों आ रही है क्योंकि हमारी चूक ये है कि हमने आवाज को आवाज के ख्याल से पैदा नहीं किया
क्योंकि मैंने अपने आप को संसार गुरु कहा, गुरु का काम है चूक गलतियों को ये गलती पहली है। दूसरी गलती ये है कि हम लोग सनातन धर्म के मैं पैदा हो पा रही, सबसे पुराना धर्म क्या है, जब सृष्टि आई तो परमात्मा ने अपने संकल्प से दुनिया को एक पुरुष पैदा किया, मनु ने अपने संकल्प से स्त्री पैदा की, ये शास्त्र कहते हैं। और क्या ये झूठ है, ये ठीक है? लोग जागृत में अपने ख्याल से मुझे पैदा कर लेते हैं, मेरा रूप बना लेते हैं और मेरे रूप से काम ले जाते हैं, पर्चे हर के आ जाते हैं, साइंस के पर्ची कहते हैं बाबा तो डिक्टेट कर गया, मेरे तो बाप को पता नहीं। तो क्या साबित हुआ कि इंसान के ख्याल में ताकत है। तो हम जो कुछ इस जिंदगी में करते हैं, हम गलत ख्याल लेते हैं, नेगेटिव आइडियाज लेते हैं, नफी के ख्याल लेते हैं, इसलिए हमको मुसीबतें आती हैं। एज शैल यू थिंक सो शैल यू बी, दूसरी चूक ये है, मैं इच्छा के साथ बोलता हूँ। तीसरी चूक क्या है, हम इस दुनिया में आते हैं, सभी जानते हैं कि जो आता है वो जाया जाता है, कोई किसी का नहीं, मगर हमने दुनिया को सत्य माना हुआ है। हम जाते हैं कि हम यहाँ ही रहते हैं, ये हमारी दुनिया हमारे वास्ते हमेशा के वास्ते है, हालांकि ये दुनिया कैसे है। अगर इंसान तुम सोचते हो कि तुम जब ये संत महात्मा जो बड़े बने फिरते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी हस्ती दुनिया में है क्या, कितनी सृष्टि है, कितने कुएं हैं, कितनी जिंदगियां हैं, कितने आसमान है। अगर जाओ तो इंसान की जिंदगी एक इंसान जो है कबीर है या लाला स्वामी है या दादा दाया बड़े से बड़े फिलोसफर है, उसकी हस्ती है क्या। हम सब ही अपनी मैं में आए हुए हैं, संत अपनी मैं में आया हुआ है, वेदांती अपनी मैं में आया हुआ है, साधु अपनी मैं में आया हुआ है, गृहस्थी अपने मैं में आया हुआ है। आप सोचिए मेरी बात को, दिमाग वाले हो जरा सोचिए थी कि तुम्हारी हस्ती क्या है दुनिया में। हम संत बन गए, कोई कबीर बन गए, कोई राजा स्वामी बन गए, कोई नानक बन गए, कोई पीर बन गए, क्या कुछ जमीन से आसमान तक कड़ा भी बनाते हैं। अगर देखा जाए दुनिया को करके, अगर तुम ये कहो कि वेदांति की दुनिया नहीं है, जब इंसान इस तरह से अपने ख्याल को हटा देता है या सो जाता है, उसके उस वक्त उसके लिए दुनिया नहीं है। मगर अगर ये कहा जाए कि ये जगत है ही नहीं, ये गलत है। दुनिया है, सिर्फ जो आदमी अभ्यास करता है वो अपने ख्याल से इसको भूल के किसी और तरफ अपनी तवज्जो को लगा ले, वो उस वक्त उसके लिए दुनिया नहीं है। मगर हम वेदांति क्या कहते हैं, जगत मिथ्या है। अरे जगत कैसे मिथ्या है, जो कुछ तुम्हारे अंतर में ख्याल फूलते हैं वो मिथ्या है, दुनिया मिथ्या नहीं है। एक चूक हमारी ये है। चौथी चूक ये है कि हम चाहते हैं पार होना इस संसार से। अब मैं ये पूछता हूं कि क्या सबूत है किसी के पास, ये संत जो कहते हैं नाम ले जाओ तुम सतयुग पहुंच जाओगे, अगर ये मरते समय तय पी के तो नहीं जाते, लोगों के अंदर इनका लूट जाता है और ये सच्ची बात नहीं कहते और खिलाड़ी देते हैं, तो क्या ये मुजरिम नहीं है? तुमने लाख शब्द अभ्यास किया हुआ है, तुमने लाख काम किया हुआ है, तुमने नेकी से नेकी काम किए हुए हैं, तुम आवागमन से नहीं बच सकते। कब बचोगे, अगर मरते समय तुम्हारे सामने कोई गुरु आ जाएगा, राम आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, मोहम्मद आ जाएगा, तुमको अच्छा सेवा मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, मगर जन्म मरण से तुम नहीं बच सकते। इसका सबूत आजकल के डॉक्टर देते हैं, डॉक्टरों ने स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, कैनेडा, इन्होंने मरने वालों को लागू कर रखा और जब एक सामने स्क्रीन लगा दी उसके ऊपर खास मसाला लगा दिया, जब वो मरने वाला मरा तो
की रूह को जाते हुए उन्होंने स्क्रीन पर देखा और उसी वक्त वो जो बॉडी था जिस मरने वाले का, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10, 25 ग्राम से वेट लेस हो गया। इससे क्या साबित हुआ कि जो चीज अंदर से निकल के गई है वो या 5 ग्राम है या 10 ग्राम है या 20 ग्राम है या 25 ग्राम है, साबित हुआ क्या हुआ। अब जो चीज पाली है उसको ग्रेविटी या अर्थ खींचेगी। विश्वामित्र मेरी बात को सुनते दूर से आए, तुम कहां से इतना रुपया खर्च करते हो। आई वॉन्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी, सच्चे बन के आपको मैं सच्चाई बयान कर जाना चाहता हूं। आपका जी चाहे मानता मंदिर में मदद करो, आपका जी चाहे मत करो, आई जो है मगर मेरी ड्यूटी है, चूक में बताता हूं। अब तुम सोचो कि वो जो पाई हुई वो क्यों हुई। जहां ब्रिगेडियर साहब भी सुन रहे हैं उनको भी कहता हूं, वो पाई क्यों हुई, क्योंकि मरने वाले के मन के अंतर ग्रास मैटर का प्रेम था। ग्रास मैटर में बाप मां पाई, गुरु का देह, गुरु का आश्रम, राम जो जिसे के घर पैदा हुआ, कृष्ण जो गोकुल में पैदा हुआ, मोहम्मद जो वहां पैदा हुआ, क्राइस्ट जो यरूशलेम में पैदा हुआ, जो आदमी इनके साथ प्रेम करेगा, दावत के साथ प्रेम करेगा, ग्रास मैटर किसी फॉर्म में प्रेम करेगा, जब उसकी रूह जाएगी उसका जिस्म वो जो सूक्ष्म शरीर है वो वेटी होगा। जब वो वेटी होगा तो लाख तुमने शब्द योग किया हुआ है, लाख तुमने जो मर्जी चाहे किया हुआ है, तुमको फिर ग्रेविटी अर्थ खेचेगी, तुमको इस बड़े आदमी से पार नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो मेरे समय जो कोई ड्यूटी है, मैंने पब्लिकली कहा है कि मैं संत सदगुरु वक्त हूं, इसकी मैंने मत समझना कि मुझे सुखाब का पार ले गया या मैं जादूगर हूं या मेरे में कोई शक्ति आ गई है, यह गलत है। जो कुछ किसी को मिला वो उसके अपने विश्वास और श्रद्धा का फल मिला। मैं किसी को कुछ नहीं देता और न कोई और गुरु देता है। ये सिर्फ एक पखंड का जाल है या भोले भाले जीवों को एक चक्कर में बांधा हुआ है। और यही याद है स्वामी जालने के बारे में, गुरु जी मैं गुनागार अधिपाई, कामी क्रोधी पापी हर्षक अस पाप रहे, उसमें करी आती है, नल नारी बहुते बस्ती ने और भोले भगते धोख लिया। हम महात्माओं ने अज्ञान में रखकर जीवों को धोखा दिया है और अपने पीछे लगाया है। मैं बड़ा निर्भय होकर बात कहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में ड्यूटी है। दासा ने कहा तालीम बदल जाए, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। लाख तुम भक्ति करो, लाख तुमने दान किए हुए हैं, लाख तुमने ऐसी शर्मा सुन लो मेरी बात, बेशक लक्ष्य देता फिर जो मर्जी चाहे करता फिर, अगर एट द टाइम ऑफ योर डेथ तुम्हारी अटैचमेंट बाबू फकीर चंद के साथ भी है और मान्यता मंदिर के साथ है या राम जो जसवीर है उसके साथ है, कोई दुनिया की ताकत तुमको अवागमन के जन्म मरण से नहीं बचा सकती। समझो पृथ्वीनाथ और आज क्या नाम है नंदलाल या आनंद राव, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं अपनी ड्यूटी अपना फर्ज अपनी ड्यूटी पूरी कर